हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। लेटेस्ट स्टॉक अपडेट में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनएचपीसी लिमिटेड की। दोस्तों, यहाँ पे एक तरह से अगर हम बात करें इस स्टॉक की, एक ऐसा स्टॉक जो यहाँ पे अभी तक अपने शेयर होल्डर को एक तरह से मल्टीवाइगर रिटर्न दे चुका है। और यहाँ पे अगर हम बात करें एनएचपीसी की, तो आने वाले समय में बहुत जल्द डबल होने वाला है। इस प्राइस से सीधा 200 प्राइस पे पहुंचने वाला है। दोस्तों, एनएचपीसी इसी साल 2024 के अंदर अंदर आपको डबल देखने को मिलेगा। एक तरह से यहाँ पे सीधा 100 रुपया से 200 रुपया प्राइस आपको आने वाले समय में दिखने वाला है। नियरेस्ट फ्यूचर टर्म की बात कर रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे अगर हम बात करें एनएचपीसी की, तो सबसे पहले किसी भी कंपनी को जानना बहुत जरूरी होता है। अगर आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रहे हैं, किसी भी स्टॉक में आप शेयर बाय करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे उस कंपनी के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, यहाँ पे अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं, बात करते हैं यहाँ पे एनएचपीसी के अबाउट की कंपनी क्या करती है और इसका क्या रोल है बेसिकली। दोस्तों, बेसिकली अगर हम बात करें तो एनएचपीसी लिमिटेड का फुल फॉर्म यहाँ पे नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन होता है। एनएचपीसी का फुल फॉर्म यहाँ पे अगर हम बात करें, पब्लिक सेक्टर हाइड्रो पावर कंपनी बेसिकली इंडिया के अंदर है। 1975 से बेसिकली ये कंपनी चलती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से बेसिकली एफिशिएंसी काफी अच्छा मिलता है इस कंपनी को। और एक्सपेंडिंग टू इंक्लूड द अदर सोर्सेज, सोलर, जियो थर्मल की बात करें, टाइडल एंड विंड, इन सारी चीजों में भी अपना बिजनेस को एक्सपेंड कर रही। फरीदाबाद इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। इस तरीके कुछ बिल्डिंग है जो आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, जो फरीदाबाद का हेडक्वार्टर है एनएचपीसी का। तो उसी तरह से यहाँ पे आपको अगर हम बात करें आगे, इलेक्ट्रिक यूटिलिटीज में काम करती है, इंडस्ट्रीज का इसी में है। और यहाँ पे दोस्तों, अभी के टाइम पे अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू है जो कंपनी के 2023 के अकॉर्डिंग बढ़ता हुआ, ऑपरेटिंग इनकम, नेट इनकम, टोटल एसेट, टोटल इक्विटी, ये सारी चीजें बढ़ रहा है। कंपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में आती है बेसिकली ये कंपनी। और यहाँ पे अगर आप देखोगे अभी के टाइम पे, तो यहाँ पे मार्च 2019 के अकॉर्डिंग यहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉय 6753 है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे अभी के टाइम पे, तो यहाँ पे अभी के टाइम पे इनके 4300 कुछ एम्प्लॉय ऑलमोस्ट आपको देखने को मिलते हैं। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कम हुआ है कंपनी के अंदर। लेकिन अगर हम बात करें इस कंपनी की, जो एनएचपीसी मिनी रत्ना कैटेगरी 1 के अंदर आती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनके ऑनर है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो इनका जो अलग अलग जगह पे चंबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर इनका पावर प्लांट्स देखने को मिलते हैं, पावर स्टेशन देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे पब्लिक लिमिटेड कंपनी ऑलरेडी बन चुकी है, जो आपको पता ही है कि यहाँ पे अगर हम देखें तो अदर शेयर जो 74.51% है, जो मतलब गवर्नमेंट के पास होल्डिंग है, बाकी के जो शेयर्स हैं इनके 25.49% वो पब्लिक शेयर, पब्लिक लोगों के पास, यानी उसमें एक तरह से हम FIS एंड DIS एंड पब्लिक इन्वेस्टर सभी को कंसीडर करके चलते हैं। मार्केट वैल्यूज की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इनके ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल की वैल्यूज है 150 बिलियन रुपीज में देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें, ये इंटरप्राइज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है बेसिकली। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे सलाल स्टेज 1 में देखने को मिलता है इनका एक तरह से प्लांट। और इसके अलावा भी कई सारे इनके ऑलरेडी प्रोजेक्ट चलते हुए नजर आ रहे हैं। 5 प्रोजेक्ट हैं जो इनके एक तरह से, इनकी कैपेसिटी 89.35 में मेगावाट ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। लेकिन यहाँ पे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें, तो 3 प्रोजेक्ट हैं जो इंगेज हैं कंस्ट्रक्शन, 3 प्रोजेक्ट एग्रीगेटिंग टू टोटल कैपेसिटी 3130 मेगावाट देखने को मिल रहा है। और एनएचपीसी हैज प्लान टू ऐड 1702 मेगावाट ड्यूरिंग द 12th प्लान पीरियड ऑफ विच 1372 मेगावाट इज बी कंप्लीटेड ऑन 5 प्रोजेक्ट ऑफ द 4995 मेगावाट वेटिंग क्लियरेंस एंड गवर्नमेंट अप्रूवल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सारे इनके पास प्रोजेक्ट है जो ऑनगोइंग है, कई सारे प्रोजेक्ट है जो एक तरह से क्लियरेंस के लिए गवर्नमेंट के पास अप्रूवल के लिए जा रखा है, यहाँ पे एक तरह से उनके लिए वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे कंटिन्यू एक स्टॉक है जो आने वाले समय में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता हुआ नजर आएगा। दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात करें तो इनका जो मार्केट कैप है फिलहाल यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है, इस कंपनी का 1,01,154 करोड़ का मार्केट कैप हो चुका है। करेंट प्राइस 101 रुपया है और स्टॉक प्राइस स्टॉक का P/27 पे है। और यहाँ पे दोस्तों अगर हम देखें तो 1 लाख से इनका मार्केट कैप अगर 2 लाख करोड़ हो जाता है, 2 लाख करोड़, तो यहाँ पे कंपनी के पास एक तरह से
शेयर प्राइस डबल हो सकता है इजली से, क्योंकि यहाँ पे ऐसा होता हुआ नजर आया। आप देख रहे हैं रेलवे स्टॉक, देखें रेलवे स्टॉक में इस तरीके से रैली दिखाया है जिस तरीके से कभी भी वो स्टॉक चला ही नहीं था। यहाँ पे अगर हम देखें तो डिविडेंड की अगर हम बात करें तो डिविडेंड 1.84% देखने को मिल रहा है, बुक वैल्यू 38.5 पे, आरओसी या आरओई देखें तो यहाँ पे कम देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे कंपनी के एक तरह से देखें तो रिजर्व्स अच्छी खासी है। ईपीएस 3.61 रुपये के जनरेट कर रही है, 67% से ज्यादा होल्डिंग है जो प्रमोटर के पास अभी के टाइम पे है, लेकिन वो जो अभी मैं इसके पहले बता रहा था उस टाइम पे पब्लिक आईपीओ जब आया था उसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न था उसके अकॉर्डिंग बताया था दोस्तों। यहाँ पे अगर हम बात करें ग्राम नंबर प्राइस 55 रुपया, पेट्रोल के स्कोर कम है, लेकिन ये सारी चीजें बहुत जल्द इम्प्रूव हो जाएगा और इसमें तेजी देखने को मिलेगा दोस्तों। यहाँ पे कंटिन्यू अगर आप देखें तो अभी के टाइम पे मार्च क्वार्टर में जो बेसिकली प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग कम करते हुए नजर आए थे, और यहाँ पे एफआईएस की होल्डिंग कम हुआ, डीआईएस की होल्डिंग कम हुआ, यहाँ पे पब्लिक की होल्डिंग इंक्रीज होता हुआ नजर आया, तो यहाँ पे एक इसकी वजह से शेयर प्राइस में एक तरह से आप देख सकते हैं कि मूव देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे सियोरिटी के साथ कह सकता हूँ कि 2024 के अंदर अंदर इस स्टॉक में 200%, 200 रुपीज जाने की क्षमता है और ये 200 रुपया तक जा सकता है। गवर्नमेंट भी बहुत सारे एक्शंस लेती हुई नजर आएगी और इन कंपनियों को फायदा दिलाती हुई नजर आएगी दोस्तों। दोस्तों अगर हम बात करें इस कंपनी की तो यहाँ पे अगर आप देखें कंपनी की जो एक तरह से कंटिन्यू प्रॉफिट होती है, क्वार्टरली रिजल्ट की अगर हम बात करें मार्च क्वार्टर में कंपनी 1888 करोड़ का सेल्स की, जो पिछले साल यहाँ पे 2029 करोड़ का सेल्स की थी। यहाँ पे मार्जिन में बड़ी उछाल देखने को मिला, 44% से बढ़ के 47% मार्जिन हो चुका और यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट है 611 करोड़ होता हुआ नजर आया। तो ये प्रॉफिट है जो ये कभी भी बढ़ सकती है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी के जो एक तरह से डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है कि इनकी इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड कितनी है, और यहाँ पे अभी के टाइम पे जो Q1 क्वार्टर का जो रिजल्ट आने वाला है उसमें आप देखिएगा कंपनी का Q1 क्वार्टर का जो रिजल्ट रहेगा काफ़ी शानदार रहेगा और स्टॉक में रैली देखने को मिलेगा, इस चीज़ का आप बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये सब सारी चीज़ें होता हुआ नजर आ सकता है और होपफुली आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे, मैं आपसे ही एक्सपेक्ट करता हूँ। और दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके चलिएगा, जिससे कि आने वाला जो अपडेट हो वो आपको तुरंत मिल जाए दोस्तों। दोस्तों मैं यहाँ पे किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप अपने फिनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें या आप खुद एनालिसिस करें, उसके बाद ही किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें दोस्तों। यहाँ पे आप डायरेक्टली अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर मेरी बातों में आके डायरेक्टली सीरियसली लेते हैं इस चीज़ों को, तो यहाँ पे आपको रिस्क ज़्यादा हो सकता है और इसमें आपको नुकसान हो सकता है। तो किसी चीज़ के सेल्फ कॉन्फिडेंस होना भी बहुत जरूरी होता है, तो आपको कॉन्फिडेंस होनी चाहिए किसी भी स्टॉक के ऊपर। तो दोस्तों बस फिर से इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।